अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11वीं कक्षा की प्रवेश परीक्षा के सिलेबस में कुछ इस्लामिक हिस्सा हटाए जाने के मामले पर जामिया उलेमा हिंद अलीगढ़ ने नाराजगी जताते हुए इस्लामी स्टडी विभाग के अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा और 11वीं की प्रवेश परीक्षा में इस्लामिक हिस्सा जोड़ने की मांग की। बता दें कि एमयू प्रशासन ने इसी साल सिलेबस में कुछ चेंजिंग की है, जिसमें 11वीं की प्रवेश परीक्षा के इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट में से कुछ इस्लामिक सवाल हटाए गए हैं, जिसके बाद जामिया उलेमा हिंद अलीगढ़ ने इस्लामिक स्टडी विभाग के इस विषय में की गई चेंजिंग को लेकर सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा विरोध जताया गया है और इस विषय को वापस लाने की मांग की गई। मेमोरेंडम दिया गया, किसकी तरफ से दिया गया, किसे दिया गया? आज जमीयत उलमा हिंद अलीगढ़ की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया है शेखुल जामिया के नाम इस्लामिक स्टडीज के चेयरमैन साहब के ज़रिए से। उसमें हमारा मुतालबा ये है कि तकरीबन आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक हफ़्ते से ये खबर गर्दिश कर रही थी कि 11वीं क्लास के इम्तहान फारम से इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट को हटा दिया गया था, जिसका मेन मकसद ये है कि वो क्वेश्चंस जो सीरत रसूल से मुतालिक था उन क्वेश्चनों को हटा दिया गया है। इस पर तमाम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ, जबकि आपको मैं बताता चलूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये कौम की विरासत है, कौम की अमानत है, और अगर कोई कौम की विरासत के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश करेगा, खा वो कोई भी हो, उनको ये कौम माफ़ नहीं कर सकती है। दूसरी बात यह है कि सर सैद अहमद ख़ान मरहूम साहब ने कहा था कि एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में साइंस हो और सर पर कलमे तौहीद का ताज हो। अब अगर उनका ये मेन पॉइंट है और इस यूनिवर्सिटी को लेकर के, तो अगर कोई भी हो, इसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने भी इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की है, एक तरह से उन्होंने कौम के साथ भी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ भी गद्दारी की है, जो ठीक नहीं है। आज हमने ये मेमोरेंडम की शक्ल में शेखुल जामिया को अपना पैगाम दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पैगाम को ज़रूर सुना जाएगा और उस पर रद्द अमल ज़रूर जाहिर होगा। सिलसिले में आज ही मेमोरेंडम दिया गया और क्या मांग की गई? देखिए, आपको मालूम है कि जब से यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ है, तब से अब तक इसके मकासद सब पर आया हैं। उसके बावजूद भी पिछले 10-12 दिन से खबर गर्दिश है और मीडिया ज़राए से ही हम लोगों को मालूम हुआ है कि 11th क्लास के जो टेस्ट इम्तिहान था, उससे निसाब से इस्लामियात को हज़फ कर दिया गया है। उस सिलसिले में हमने कई जगह कांटेक्ट करने की कोशिश की, कई जगह बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। मजबूरी में हम लोग अब वाइस चांसलर को एक पैगाम हमने चेयरमैन के ज़रिए भिजवाया है कि आप इस पर दोबारा से गौर कीजिए जो आपने किया है, और आप सर सैद के असल मकसद से और उनके रफ़ाक़ा के असल मकसद से हट गए हैं और हट करके आप काम कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि आप कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं या कोई और यूनिवर्सिटी को चला रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा हमें पशेमानी और तकलीफ़ हुई और हम गम गुस्सा हमारे दिल में था, तो उसको हमने दिया है। और अगर ये नहीं हुआ, इसमें इस्लाह नहीं हुई, चेंजिंग नहीं हुई, तो हम दोबारा मिली तंजीमों को सारों को जमा करके इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर इस पर जो है अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे। मेमोरेंडम दिया गया है, किसकी तरफ से दिया गया? आज ये जमीयत उलमाए हिंद अलीगढ़ की तरफ से एक वफद आया था, और उस वफद में जमीयत के ज़िम्मेदारान और शहर के ज़िम्मेदारान शामिल थे। तो उन्होंने ये एक मेमोरेंडम दिया है जिसको हमें आगे बढ़ाना है। ये इस सिलसिले में है कि जो अभी न्यूज़ आई है कि अलीगढ़ के 11th के एंट्रेंस में जो इस्लामियात का एक मज़मून होता था, उसमें से कुछ हिस्से को हज़्फ किया गया है। तो इससे इनकी यह मुतालबा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैद ने कायम की थी, ये ख़ास तौर पर मुसलमानों की तालीमी मुआशी पसमानदगी को दूर करने के लिए है, और दूसरी तरफ सर सैद ने इसमें ये कहा कि एक हाथ में जो है साइंस हो, फ़लसफ़ा हो, सर पे कलमत तैयबा का ताज हो। तो इनका ये कहना था कि अगर इसी यूनिवर्सिटी में इस्लामिया के साथ ये सलूक किया जाएगा तो ये मुनासिब नहीं है। ये अकलियतों की यूनिवर्सिटी है, अकलियती इदारा है, तो इसमें इस्लामियात को जिस तरह से चला आ रहा है 11th के एंट्रेंस टेस्ट में, उसी तरह से उन मजामीन को उसमें दोबारा से शामिल किया जाए। तो अगर ये किसी गलत फहमी की वजह से हुआ है तो उसको दुरुस्त किया जाए, या अगर कोई और वजह है तो उसको बताया जाए किस वजह से इस हिस्से को हज़्फ़ किया गया है या इसको हटा दिया गया है सिलेबस से। तो इसी सिलसिले में इस वफ़ ने आज मुझसे मुलाकात की है, तो अब हम इंशाल्लाह इसको आगे देखेंगे और इस पर आगे की हम कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। किसके नाम दिया गया है मेमोरेंडम? ये इन्होंने तो इस वक्त तो ये चेयरमैन डायरेक्टर इस्लामिक स्टडीज़ के नाम दिया गया है ये मेमोरेंडम, तो लेकिन उन्होंने इसको जो है शेखुल जामिया जो वाइस चांसलर हैं उनकी खिदमत में पेश किया है, तो ये मेरे ज़रिए से उन्होंने दिया है। तो अब हम इसको शेखुल जामिया तक पहुँचाएँगे और उनको इनकी बात जो है वो पूरी इसमें आ गई है इस मेमोरेंडम में, तो शेखुल जामिया इस पर आगे की जो भी कार्रवाई मुनासिब होगी वो इंशाल्लाह करेगी।
ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए एटी न्यूज़ इंडिया। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।